मध्य प्रदेश के किसान हितैषी सरकार ने किसानों की खेती को लाभ का धंधा बताते हुए किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों को उपज को सरकार ने खरीदा और वादा किया कि 7 दिवस के अंदर किसानों को उपज का पैसा उनके खाते में डाल दिया जाएगा। मगर आज 1 माह बीत जाने के बाद भी कई खरीदी केंद्रों में किसान बेबस और लाचार खरीदी केंद्रों में चक्कर काट रहे हैं। मगर उनकी सूचना सुनने वाला ना कोई शासन है ना प्रशासन है। घर में रखे अनाज को बेचकर किसान दाने दाने को मोहताज हो गया है। कई जगह किसान शराब पीकर खरीदी केंद्र पहुंचकर शासकीय नुमाइंदों से लड़ते हैं और झगड़ते हैं कि हमारा पैसा डाल दो, नहीं तो हम खरीदी केंद्र में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे, जिसका वीडियो पगड़ा खरीदी केंद्र का सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। तो वहीं तारा खरीदी केंद्र के किसानों की उपज खरीद लेने के बाद आज दिनांक तक पेमेंट न होने से किसानों पर समस्या बनी हुई है। ये आलम सिर्फ 1-2 खरीदी केंद्रों का नहीं बल्कि पूरे अमानतगंज तहसील अंतर्गत आने वाले खरीदी केंद्रों का है, जहाँ किसान अपनी उपज के पैसे लेने के लिए खरीदी केंद्र के चक्कर काट रहा है। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। नाम आपका? महेंद्र कुमार कुशवाहा, केंद्र प्रभारी तारागढ़। यहाँ पर भारी तादाद में अनाज पड़ा है, परिवहन नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या है? किसानों की भी समस्या होगी बहुत सारी। यहाँ 11 दिन से तो कोई परिवहन हुआ नहीं है और रोजाना बारिश हो रही, बारिश में जी बहुत माल खराब भी हो चुका है। लगभग कितने दिन हो गए जब से परिवहन नहीं हो पाया? 12 दिन से कोई परिवहन नहीं हुआ जी। और लगभग 27,000 कुंटल के आसपास माल यहाँ पड़ा है। 27,000 कुंटल अभी पड़ा है यहाँ पे। और किसान लोग भी आते हैं, किसान बोलते हैं कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं हुआ है जी। इस बारे में आपका उच्च अधिकारियों से बात तो हुई तो उन्होंने कब का आश्वासन दिया? उन्होंने आज के लिए बोला है कि आज से परिवहन चालू हो जाएगा जी। अगर ये बारिश होती है और माल ख़राब होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब मान लो जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ चिट्टा लगवा दिए है, जहाँ जितनी तिरपाल है वो डाल देंगे, लेकिन इतना तूफान आता है कि बरसात तो तूफान जैसी फट जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बोला है, आश्वासन दिया है, आज हो जाएगा परिवहन। ठीक है, धन्यवाद। आप तारझर कुआ के किसान हैं, क्या समस्या है आपको? आपका पेमेंट जो अनाज की तुलाई हुई है उसका कब से नहीं हो पाया है? पेमेंट लगभग 13 तारीख से नहीं हो पा रहा है जी। किसान मेरी आज किसानों से और भी बात हुई है, हैं तो हम लोग ये सोच रहे हैं, या तो इसमें एक मुन्ना से बात हुई जो हमारे यहाँ किस्मत प्रबंधक हैं जी जी, तो बोल रहे हैं कि जब तक ट्रांसपोर्टिंग नहीं हुई तब तक पेमेंट नहीं होगा जी। जबकि 12-13 तारीख से लगभग किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अधिकतर कितने किसान होंगे जिनका पेमेंट नहीं हो पाया? अरे 250-300 कम नहीं है, इनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अब हम लोगों ने प्लान बनाया है कि कल हम लोग कलेक्टर को एक ज्ञापन देंगे जी, और ज्ञापन के माध्यम से हम लोग बता देंगे या तो इसका ट्रांसपोर्टिंग कराई जाए, और ट्रांसपोर्टिंग अगर नहीं कराना तो भैया हम लोगों को पेमेंट करा दिया जाए हैं, पेमेंट करा दिया जाए। और अगर ट्रांसपोर्टिंग करा रहे अगर नहीं कराते तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे जी, क्योंकि किसान हम लोग जो है चक्कर जाम हड़ताल करेंगे। तुलाई हो गई है और डेली पानी का मौसम भी बन रहा है। अरे पानी तो रोज़ बरस रहा है, यहाँ देखिए आप कितनी खुशबू आ रही है। हाँ। कोई अधिकारी आके यहाँ खड़ा होकर दिखाए, भला 10 मिनट के लिए रुक के दिखाए, मान लें कि हाँ चलो ठीक है। अभी आपने किसी शिकायत की है किसी जिम्मेदार अधिकारी से? तहसीलदार से भी बात की, नायब तहसीलदार से बात की है, और DM साहब से भी बात की है। रोज़ बोल देते हैं कि हाँ आज आएगा ट्रांसपोर्टिंग के लिए, कहीं कल आएगा, बस यही बात। केवल आश्वासन मिला है? केवल आश्वासन देते हैं बस, बाकी कोई आज कम से कम 15 दिन से कोई ट्रक नहीं आ रहा हमारे। अब लास्ट डिसीजन क्या होगा आपका? लास्ट डिसीजन है कि हम लोग कल कलेक्टर के यहाँ जाके ज्ञापन देंगे सभी किसान, और अगर उसके बाद हम लोगों की ट्रांसपोर्टिंग नहीं की जाती हो, पेमेंट नहीं होता है, तो हम लोग हड़ताल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।